नमस्कार मॉर्निंग बॉस सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस राज्य में आहरी दुई दिन शीत विभिन्न स्थान में शीत लहरी कुहुड़ी आस्तरण में ट्विन सिटी सातटी जिला को येलो वार्निंग सका दसटा जाए घर बाहर मुश्किल गाड़ी चलाचल बाधाप्राप्त विश्वर सर्वबृहत टीकाकरण कार्यक्रम शुभारंभ कले प्रधानमंत्री प्रथम पर्यायर तीन कोटी को मागणा टीका भावविहल हो कहले महामारी छड़ाई नहीं पर सुख धर्मेन्द्र कहले विश्व को कोरोना टीका प्रदान में अग्रणी भूमिका ने भारत नकली ब्रांड असली संबलपुर नकली डिटर्जेंट गोदाम ठाप ऐंठापाली पुलिस चढ़ाऊ जबत है 25,000 पैकेट डिटर्जेंट परी हत्यार सत लुचा अभियान कुआडे गला कोर्ट मॉनिटरिंग पर गृह विभाग हाइकोर्ट को चिट्ठी किए न पठेबा को देखा निर्देश तेरे बीजेडी विधायकों मंतव्य स्पष्ट सरकार नियंत्रण में एसआईटी किडनी रैकेट पछरे किए राजधानी में पुणी किडनी ठकई अभियोग सहीनगर थाना 8.5 लाख ठकई अभियोग आने युवक से अभियुक्त हिमांशु को रिमांड में नहीं पचराउचरा कर बलांगीर पुलिस डकायत मुहामुही लुट कर फेरार होता बेले पुलिस हाथ में तीन डकायत रास्तार जात्री को अटकई लुट करुले सामग्री राज्य में अपपुष्टि समस्या उत्कट कुपोषण शिकार 34% रु अधिक पिला 5 वर्ष कम बयस 7 पिला जड़े शारीरिक व्यतिक्रम शिकार उद्वेग प्रकाश कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान 2036 नुआ ओडिशा स्वप्न को नहीं आशंका देखा संपूर्ण खबर राज्य को फेरी शीत राज्यर विभिन्न स्थान में शीत लहरी विभिन्न स्थान में देखा मिली घन कुहुड़ी आ कुहुड़ी सातटी जिला को येलो वार्निंग जारी करपरी कुहुड़ी आस्तरण में ट्विन सिटी एपरिक सका दसटा जाए घर बाहर मुस्किल हो पड़े गाड़ी चलाचल में बाधाप्राप्त सृष्टि राज्य में आउ दुई दिन शीतर प्रकोप जारी रपम्रा तीन रु 4 डिग्री बढ़ी भुवनेश्वर पाणीपाग कार्यालय पक्ष सूचना दीजिए झारसुगुड़ा जिलार गोटे दुईट स्थान उत्तर और आभ्यंतरण ओडिशा विशेष भाव शीतर प्रकोप रही राज्यर बौद्ध और दक्षिण आभ्यंतरण ओडिशा घन कुहुड़ी देखा मिली मयूरभंज कोरापुट और मलकानगिरी जिले में मध्य घन कुहुड़ी परिलक्षित होइछे सुंदरगढ़ जिला कोईडा ब्लॉक रे तीन दिन हला जारी रही तुषारपात राति रे पारद तलक खसिबा परे अंचल विभिन्न स्थान में तुषारपात देखा मिली फल कोईडा रे जनजीवन एक प्रकार अस्तव्यस्त हो पड़े कोईडा ब्लॉक रे 0 पॉइंट सका सका अधिक तुषारपात देखा मिली राति रे पारद तलक खसिबा परे तापमात्रा 8 डिग्री रु 5 डिग्री तलक खसुचे महामारी विरोध में महालढ़े इतिहास रचिला भारत सारा देश में आरंभ होई कोरोना टीकाकरण गतकाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे यार शुभारंभ करिछन्थे सारा देश एवं केन्द्र शासित अंचल रे प्राय 3,000 केन्द्र रे कोविड टीका दिया जाइछे प्रत्येक केन्द्र रे सर्वाधिक 100 जन को कोविड 19 वैक्सीन दिया जिवो टीकाकरण रा शुभारंभ करी प्रधानमंत्री टीका प्रस्तुतकारी को प्रशंसा करिछन्थे से कहिछन्थे जे देश रे दुई प्रकार टीका प्रस्तुत होइछे जो माने टीका प्रस्तुत करिछन्थे से माने प्रथमे टीका नेबे टीका प्रस्तुतकारी प्रथम टीका नेबा पई हकदार प्रथम पर्यायर 3 कोटी लोक टीका दिजिव प्रथम पर्यायर समस्ते मागणा टीका ने स्वास्थ्यकर्मी और सुरक्षाकर्मी को अग्राधिकार मिल भारत में टीकाकरण सारा विश्व बृहत्तम विश्व केबे कौनसी थारे एपरी टीकाकरण हो नथिला विश्व 100 टी देशर लोकसंख्या 3 कोटी कम भारत में प्रथम पर्यायर 3 कोटी टीका देवार व्यवस्था हो भारत विराट देश हो भी टीका प्रस्तुत करिबार समर्थ देखाई प्रथम पर्यायर सारा देश में 1 कोटी स्वास्थ्यकर्मी और 2 कोटी कोरोना योद्धा को टीका दिजिव माल नकली ब्रांड असली संबलपुर नकली डिटर्जेंट गोदाम ठाब संबलपुर ऐंठापाली पुलिस चढ़ाऊ कर पखापाखि 25,000 पैकेट सर्फ जबत करिछे नकली डिटर्जेंटे सर्फ एक्सेल ब्रांडिंग बहुदिन हम संबलपुर सहर रे हिंदुस्तान लिवर कंपानी नकली सर्फ एक्सेल को
ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ମଳୟ ଭୋଇ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି। ମଳୟ, ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି? କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ରାକେଟ୍ରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ କ'ଣ ଖୁଲାସା କରିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପୂର୍ବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ଘଟଣା ଗତକାଲି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଘଟଣା ଥିଲା ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ବରେଇପାଲି ଅଞ୍ଚଳ ମୁଙ୍ଗାପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଦାମ ଘରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ନକଲି ସର୍ଫ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସର୍ଫ କି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭର କମ୍ପାନୀ, ଯିଏକି ସପ୍ ଏକ୍ସେଲ ସପ୍ର ମାଲିକ ବା ଯେଉଁଠୁ ସପ୍ ତିଆରି ହୁଏ ସେ ସପ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସପ୍ର ଖୋଲତାଡ଼ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସି ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସେ ଟିମ୍ ସେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭର କମ୍ପାନୀର ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସିକି କିଣିଥିଲେ ଓ ସପ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ନମୁନାକୁ ଚେକିଂ କରିଥିଲେ ତ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ସର୍ ଏକ୍ସେଲରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସର୍ ଏକ୍ସେଲ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭର କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମାଲିକ ବା ତାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତତ୍ପରତା ହେଲା ଓ ସିଧାସଳଖ ଗୋଦାମ ଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ତ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ କରି ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସପ୍ ଆଣି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ତ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ତା ନକଲି ସପ୍ ଥିଲା। ତ ପାଖାପାଖି ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସମୟରେ 25,000 ପ୍ୟାକେଟ୍ ସପ୍ ସେହି ଗୋଦାମରୁ ଠାବ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସପ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଗୋଦାମର ମାଲିକ ଆଶିଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଗିରଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଠାଇ ନେଇଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚାରିବା ଜାରି ରଖିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା ଇଏ ଘଟଣା ସମ୍ବଲପୁର କ୍ଷେତ୍ରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା ତ ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଇଁଠାପାଲି ପୋଲିସ ଓ କ୍ଷେତ୍ରାଜପୁର ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକି ଏ ଘଟଣା ଖୋଲତାଡ଼ ହେଉଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଦାମ ରହିଥିଲା ଏଇ ଗୋଦାମରେ 25,000 ପ୍ୟାକେଟ୍ ସର୍ଫ ମିଳିଥିଲା। ସେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସହର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଦାମରେ ଥିବା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଏକଚୁଆଲି ଅସଲି କାରଖାନା କେଉଁଠି ଥିଲା, ଇଏ ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଥିଲା କେଉଁଠି, ଇଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଇଏ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଏ ନକଲି ସର୍ଫ କାରବାର ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଚାଲୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ତ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମିଟି ବଡ଼ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଦାମ ମାନଙ୍କରେ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ନକଲି ସାମଗ୍ରୀର ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଭୋଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେ କେନେ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଚିଲିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଚିଲିକାରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡଲଫିନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିଲିକାରେ ମୋଟ 18 ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାତପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ 8 ଟିମ୍ ଓ ବାଲୁଗାଁ ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ 10 ଟିମ୍ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳ 6:00ରୁ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିନ 12:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ରେ 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ OUET ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, CDA କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। GPS ଲାଇନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ସର୍ଭେ ଜରିଆରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ତ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। କାଳୁଚରଣ, ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ଚିଲିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏନେଇ CDA ତରଫରୁ ଏବଂ ଖାସ କରି ଉଭୟ ରେଞ୍ଜ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ସକାଳ 6:00ରୁ ସାତପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଅଥବା ବାଲୁଗାଁ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋଟାମୋଟି 2 ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ 18 ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ରେ 5 ଜଣ ଲେଖା ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସାତପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ 8 ଟିମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବାଲୁଗାଁ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ 10 ଟିମ୍ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ରେ 5 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ବାଇନା କୁଲର ସହ GPS ଟ୍ରାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ
डॉल्फिन गणना प्रक्रिया आरंभ हो जाए जेहेतु कुहुड़ी रही जेहेतु सेलिपार डॉल्फिन सठिक भाव में देखा जाए ना से विलंब होते वर्तमान सुधा प्रक्रिया आरंभ हो सारा सतपड़ा रेंज अधीन आम अच्छा सतपड़ा रेंज अधीन पाखापाखि आठटी टीम विभिन्न अंचल जाकि गणना प्रक्रिया को जारी रखिंट प्रक्रिय ओटीयूटी छात्र अपरपक्ष स्वेच्छासेवी संगठन मान वन विभाग अधिकारी सीडीए कर्मचारी मैंने समस्त मिलित उद्यम भाव में गणना प्रक्रिय नियोजित रही अपरपक्ष आशा रही चलित बर्ष डॉल्फिन संख्या वृद्धि पापे किंतु क्योंकि क्योंकि मन में गोटे प्रकार दुख अच्छी कारण कहीं जहाँ आम प्रतिक्रिया नौलु प्रफेसर से कहार अर्थ हो जेहेतु चिलिकार अधिक संख्यार डा चलाचल कर लोक मैंने जातायात करतीपाई जो डॉल्फिन गणवर में क्योंकि गोटे प्रकार समस्या उपजी पारे डॉल्फिन संख्या ह्रास पाई अपरपक्ष वर्तमान सुधा भी डॉल्फिन से किसी स्पष्ट चित्र कैद हाबाक ना कि वन विभाग जे सतपड़ा रेंजर अधिकारी कहते कि आठटी टीम वर्तमान सुधा सतपड़ा अंचल गणना प्रक्रिय नियोजित हो सारी सका छु गणना प्रक्रिया आरंभ होता दिन बारटे गणना प्रक्रिया कार्य सरिया निर्धारित करपक्ष तो एसीएफ पक्ष कहपर के संख्यार चलित बर्ष डॉल्फिन रही रिपोर्ट कहपर एसीएफ जहाँ प्रतिक्रिया देवे किंतु वर्तमान सुधा वन विभाग अधिकारी से भाई किसी प्रतिक्रिया मिल पार ना अपूर्व रंजन कालुचरण यह जानवाक चाहूँ जो स्थानीय रेंजर वन विभाग कर्मचारी कौन अनुमान कर पूर्व अपेक्षा पूर्व वर्ष अपेक्षा चलित बर्ष डॉल्फिन संख्या चिलिकार बढ़ी थी पारे ना क्योंटिना क्योंकि आप जो कारण कहते हैं जेहेतु अधिक संख्यार मोटर चलित जान चलाचल कर मोटर चलित डंगा तेणु डॉल्फिन कमिबार आशंका प्रकाश पाई प्रकृत में आकलन कौन कर विभाग तरफ जे डॉल्फिन संख्या बढ़ी थी पारे ना कमी थी पारे वन विभाग पक्षर से किसी प्रतिक्रिया मिले ना कि प्रफेसर जो मैंने भी गणना कार्य नियोजित होती अध्यापक परेशी जे पक्षी सुरक्षापी आसुवा सचेतक व्यक्ति मैंने गोटे प्रकार निराश रही है एहेतु चिलिकार शह शह डा चलाचल करवैध भाव में चलाचल करपक्ष लोके मत्स्यजीवी मैंने अवैध भाव में जातायात करोंचल ही डॉल्फिन रहा कथा सुरक्षित भाव में से ही अंचल जेहेतु डा चलाचल कर से डॉल्फिन संख्या कमी पारे समस्त मन में सन्देह पड़ी किंतु सेपटे रेंजर वन विभाग अधिकारी आशावादी अच्छा जी गत वर्ष पूर्व वर्ष मानक जी डॉल्फिन थे से डॉल्फिन आशंका कारण कहीं डॉल्फिन मैंने सात वर्ष ही वंश वृद्धि करतीपाई बढ़ी न पारे गोटे प्रकार सन्देह पड़ी किंतु चलित पूर्व वर्ष अपेक्षा जी डॉल्फिन थे बर्तमान चलित बर्ष से डॉल्फिन थी वन विभाग कर्मचारी माने गोटे प्रकार आशावादी अच्छा अपूर्व धन्यवाद कालुचरण साहू आम प्रतिनिधि जैकि सीधासलख चित्र देखाऊ चिलिका मध्य चिलिकार डॉल्फिन गणना आरंभ हो चिलिका उन्नयन कर्तृपक्ष और वन विभाग मिलित प्रयास में डॉल्फिन गणना प्रक्रिया आरंभ होता बेले चलित बर्ष चिलिकार मोट 18 टी टीम ए गणना प्रक्रिय नियोजित होती परी हत्या मामला को चापी देवाई बड़ षड़ आरटीआई तथ्य खुलासा परे एबे बड़ प्रश्न कुआडे गला संतोष बाला चिठी नवेम्बर 28 रे लिखा जाइथिबा चिठी काहीकी पहुंचला नाई हाईकोर्ट को पाखरे चिठी न पठाइबा पछरे मास्टर माइंड किए एबे बीजेडी विधायक उमा सामंतराय बयान स्पष्ट करुछि जे सरकार नियंत्रण में एसआईटी एसआईटी काम करुछि मंत्री अरुण साहू को घंटो घोड़ाइबा सतलुचा महाअभियान मिलीमिशी चापी देवाकु प्रयास मान्यवर हाईकोर्ट को अवगत करिबा सह एसआईटी गठन हेला एवं ए संबंधी एक चिट्ठी मान्यवर हाईकोर्ट को प्रदान करा गला आईन अनुजाई कोर्ट रो तत्वधान रे एही एसआईटी कार्य करु बोली राज्य सरकार मान्यवर ओडिशा हाईकोर्ट को चिट्ठी मध्य पठाइचंती एसआईटी द्वारा होइथिबा तदंत प्रक्रिया रो अग्रगति संपर्क रे मान्यवर उच्च न्यायालय संतोष प्रकट करिसंती ओडिशार 4.5 कोटी रो उर्ध लोक जानिचंती एसआईटी रो कार्यक्रम कोन एवं ताको मान्यवर मुख्यमंत्री मध्ये ताको तन्न तन्न करिक मध्ये तदंत करथु एसआईटी कोर्ट मॉनिटर्ड नहि सरकारक द्वारा परिचालित परी मामला मुख्य
तन्नतन करी तदंत करथुवा कहि असल मुखा खोली देछंती बिजेडी विधायक उमा सामंतराय। एही राज्य सरकारक एसआईटी निरपेक्ष तदंत नै प्रश्न उठुछि। मंत्री अरुण साहू को बचाइबा पई भुआंबुला षड्यंत्र कि नवेम्बर 28 रे हाईकोर्ट को चिठी लिखिथिले संतोष बाला परी एसआईटी कोर्ट मॉनिटरिंग पई चिठी लेखा जाइथिला। आरटीआई तथ्य कहुछि सरकार को कोनोसी चिठी आसी नाही, ताहले संतोष बाला को चिठी कुआडे गला। नवेम्बर 28 रु जनवरी 6 पर्यंत कोनो चिठी पहुंची पाला नाही ना लोकों को भुआ बुलेबा पई चिठी एक बहाना। जो ओडिसा सरकार जो कहिथिले जे हाईकोर्ट को जने सिटिंग जज परी मामलार से मॉनिटर करिवे, किंतु जत्ते बले ऑफिशियली तंकु मगागला सेते बले हाईकोर्ट कर्तृपक्ष कहले जे एपर किछि चिट्ठी आसेनी। जेहेतु तथ्यटी आरटीआई रे मगाला तेणु आकु अविश्वास करबा कोठी प्रश्न हो। किए ई घटनारो मास्टरमाइंड गृह विभाग सचिव संजीव चोप्रा उत्तर रखिबे कि काहे कि मुहरे तुंडी मारी बसिछंती गृह राष्ट्र मंत्री। कोर्ट मॉनिटर कहि मिछो कहिनांती कि डीजीपी अभय सरकार कौन लुचेबा को चाहूछंती। कोर्ट मॉनिटर हेबा पई डर काहे कि समय गड़ाइबा पई कोर्ट मॉनिटर रो ड्रामा कि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। राजधानी रे पुणी किडनी ठकई अभियोग एनी सहीनगर थाना रे एक मामला रुजु होई छे। 2015 मसीह रे आलोक रंजन चाइनी नामक केन्द्रापड़ार जने व्यक्ति एक ठकईर शिकार होइथिले। से प्राय 8.5 लाख टंका ठकईर शिकार होइथिबा कहिछन्ते। अनेबडे पूर्वरु किडनी ठकई अभियोग रे गिरफ अभियुक्त हिमांशु को रिमांड रे नै तदंत आरंभ करिछि कमिश्नरेट पुलिस। किडनी रैकेट पछरे हॉस्पिटल ना डाक्तरंकर संप्रुक्ति रहिछि तार आरंभ होइछि खोलताल। हॉस्पिटल रो कागजपत्र ओ कोर्ट रो कागजपत्र ओरिजिनल ना डुप्लीकेट। पूर्वरु होइथिबा किडनी प्रत्यारोपण स्वीकृति प्राप्त ना बेआईन अटे। ठकिथिबा टंका केउठी एहा उपरे हिमांशु नंद को 3 दिन रिमांड रे आनी पचराउचरा करूछि पुलिस। किडनी ठके रैकेट पछरे किए करूछि बेआईन किडनी प्रतिरोपण। एही रैकेट पछरे आउ कहार हात? बेआईन किडनी प्रतिरोपण पछरे डाक्टर ना हॉस्पिटल? राजधानी विभिन्न थाना किडनी प्रत्यारोपण नारे लक्ष लक्ष टंकार ठके हेबा परे किडनी ठके पछरे एक बड़ रैकेट काम करथुवा नै संदेह करा जाउछि। किडनी ठके रैकेट उपरु परदा हटाइबा पई ठक हिमांशु भूषण नंद को पुलिस गिरफ करिबा परे अधिक पचराउचरा पई 3 दिनिया रिमांड नैछि नयापल्ली थाना पुलिस। डायलिसिस करिबा पई जाउथुवा रोगीर किडनी नित्यांत आवश्यक एकथा ए ठक जानुछन्ती केमिति। लोकंक विश्वास जन्मेबा पई किभली ओ कहा सहयोग रे जाल कागजपत्र जोगार हेउछि। जदि बेआईन भाबे किडनी प्रतिरोपण हेउछि ताहाले एहार मास्टरमाइंड किए? बेआईन किडनी प्रत्यारोपण राकेट पछरे किए? डाक्तरंकर संप्रुक्ति ना हॉस्पिटल रो संप्रुक्ति? किभली के उपाय रे कहा सहाय्य रे ठकुथिला ठक रिमांड रे आसीबा परे सबु खोलिबो सत? पूर्वरु ए ठक बेआईन किडनी प्रतिरोपण करथिबा कथा कहिछंती ठकामी रो शिकार होइथिबा व्यक्ति। पूरा घटनारे डाक्तरंक संप्रुक्ति थिबा सह हॉस्पिटल रो डायलिसिस रूम रु ठक को किडनी कहार दरकार ए संपर्क रे समस्त सूचना आसीथिबा कथा मध्य सूचना मिलिछि। मोर किडनी फेल हेतला बोले जने हुमांशु नंदा करिकि लोक से मते को डोनर जोगाड़ करिकि देकि सब काम लीगली करिकि दबो बोलिकि 18,52,080,000 टंका नेइछि। नेला परे आउ से डोनर भी दउ नै सिया देखानु एबे मत जाने को पहिला कि से ऑलरेडी जेल रे अछि। कांटेक्ट हला मु जत अपोलो रो डायलिसिस रो होथली से डायलिसिस रे जाने मोर जने मानस पटनायक सी भी डायलिसिस होथले तांग से तो हमरो कथाबार्ता संग गेला से हिमांशु नंदा से मानस पटनायक रो ऑलरेडी ट्रांसप्लांट करके देला पर पूरा विश्वास रे आसीला। तेणु से मानस पटनायक मत कहला से मत करके देजी मु ता नंबर दउची ता से कांटेक्ट कर आपन हो जइबा। किडनी प्रॉब्लम ता आपन जणा केते कष्ट मुंगे एते कष्ट सोया अपेक्षा जा हबो देकि टे कर दबा कोन से भी मते फेत देला एते जानवर कंप्लीट हे जइबो बोली हॉस्पिटल रो कलिंगर लगै थांदा से गुडा डोनर आनथला नयापल्ली रु पवित्र पवित्र नायक करी से डोनर को नै गासथला। डोनर भी मते मो पाको आसथला। डोनर सब टेस्ट फेस्ट भी हला ब्लड टेस्ट
ସବୁକିଛି ହେଲା, କ୍ରସିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା, ସବୁକିଛି ହେଲା, ମୋତେ ମିଚର ମୁନିକ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା, ଓଟି ଡେଟ୍ ଦେଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଫଲ୍ସ ଫର୍ଜି। ଠକେଇ ପଛରେ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ନନ୍ଦ ନା ଆଉ କିଏ? ହସ୍ପିଟାଲର କାଗଜପତ୍ର ଓ କୋର୍ଟର କାଗଜପତ୍ର ଅରିଜିନାଲ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍? ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା କିଡ୍ନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ନା ବେଆଇନ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପୋଲିସ ହାତରେ ପଥର ଆଉ ଡକାୟତଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ, ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଡକାୟତ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଚୋରି କରି ଖସି ଯାଉଥିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ଡକାୟତ, ତେବେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୁଇସିଆଁ ପୋଲିସ ଡକାୟତମାନଙ୍କର ପିଛା କରି ସାଲଭେଟା ଓ ହରଭଙ୍ଗା ରାସ୍ତାରେ ରେଲୱେ ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ନିକଟରେ କାବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଚୋର ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ହାତରେ ପଥର, ଡକାୟତଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ, ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଡକାୟତ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଚୋରି କରି ଖସି ଯାଉଥିଲେ ଡକାୟତ, ଖବର ମିଳିବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇସିଂହା ପୋଲିସ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ପିଛା କରି ସାଲେଭଟା ହରଭଙ୍ଗା ରାସ୍ତାରେ ରେଲୱେ ଲେଭେଲ କ୍ରସିଂ ନିକଟରେ କାବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳ। ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଚୋର ପୋଲିସ, ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଚୋର, ଏମିତିକି ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚୋରଙ୍କ କଥା। ଲୁଇସିଂହା ବ୍ଲକ କୁସଙ୍ଗ ଗାଁର ଜନରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଓ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଝାରମୁଣ୍ଡାକୁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମପାଲି ଛକରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥିବା 35,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଥାନାରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଲିସ ବାବୁ ଥାନାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିବା ସହ ଡକାୟତଙ୍କ ପିଛା କରିଥିଲେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳ। ପୋଲିସ ଡକାୟତ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେବା ପରେ ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଡକାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଅଞ୍ଚଳର। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ସରିଛି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବଜ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।